डीडवाना के ग्राम खाखुली की गौशाला के अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में लगातार दूसरे दिन भी गतिरोध कायम रहा। मृतक के परिजन और मेघवाल समाज के लोग सुसाइड नोट में लिखित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी मौलासर के सरकारी अस्पताल में धरने पर बैठे रहे। इस दौरान समाज के लोगों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया, साथ ही मृतक का शव भी नहीं लिया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा भी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अब तक दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन परिजन और समाज के लोग तत्काल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे, जिससे देर शाम तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला और धरना जारी रहा। आपको बता दें कि खाखोली गांव की गौशाला के अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल ने गत दिवस गांव के एक खेत के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की जेब और पेड़ के पास से सुसाइड नोट भी मिले हैं, जिसमें छह लोगों पर मृतक को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सुसाइड नोट में आरोप है कि गौशाला समिति के छह लोगों ने गिरधारी राम को पैसों के लेन देन को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और गौशाला संचालन में भी मनमारी कर उसे परेशान किया, जिससे आहत होकर गिरधारी राम ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरे पिताजी का शव मोर्चरी में रखा गया है, जब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम शव नहीं लेंगे और पुलिस प्रशासन हमारी कुछ भी नहीं सुनवाई कर रहा है। जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।